हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोग के लिए न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से जो बहाली आया था टेक्नीशियन का, फाइनली इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोग को एडमिट कार्ड दिखा दूंगा और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, ये नोटिस अभी आज के डेट में रिलीज किया गया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिस है। मैं ये PDF पे दे दूँगा आप लोग को, टेलीग्राम पर मैं दे दूँगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड अनुशक्ति नगर मुंबई, डेट देख सकते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग बहाली आया था कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और आप लोग का यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर। देखिए, IT वालों का 25 तारीख को एग्जामिनेशन है और डिप्लोमा वालों के लिए 19 तारीख का है और प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए 26 सितंबर का एग्जामिनेशन है। ये आप लोग का OMR पे पेपर होगा। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइज़, ये जो लिंक देख रहे होंगे इसी लिंक पे आप लोग को आ जाना है, मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेंट लॉगिन करना है, उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन नंबर देना है, आधार कार्ड देना है, कैप्चा देना है, आप लोग को लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास नहीं है और मैं ऑलरेडी 2 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मंगा लिया हूँ, तो मैं वो एडमिट कार्ड आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो नया पेज खुलेगा, वहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन नंबर, आधार कार्ड, कैप्चा डाल के आप लोग लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आप लोग को चलिए दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड इलेक्ट्रीशियन और फिटर का, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोग को बता देता हूँ। तो देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रीशियन का एडमिट कार्ड। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोविजनली एडमिट कार्ड कॉल लेटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड अनुशक्ति नगर मुंबई, और यहाँ पे कैटेगरी 2 इलेक्ट्रीशियन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट दिया गया है और कहाँ पर होगा ये चीज़ भी मेंशन किया गया है, मुंबई में है। अब चलिए मैं फिटर का दिखा देता हूँ और वहीं पे आप लोग को मैं सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताऊँगा। तो देख सकते हैं, ये है फिटर का और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और देखिए, डेट आप लोग का यहाँ पे दिया रहेगा, मेंशन है। एग्ज़ाम टाइम आप लोग का मेंशन है, रिपोर्टिंग टाइम है, गेट कब क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को फोटो चिपकाना है और यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर से आप लोग को साइन करवाना है। यहाँ पे 2 नंबर, देखिए 2 नंबर कैटेगरी इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है, देखिए 2 नंबर में लिखा गया है, मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। For appearing in the written examination, you are requested to bring admit card with affixed on the Delhi attested gazetted officer. यानी कि जब फोटो जो साइन करना है वो Delhi attested होना चाहिए gazetted officer से, और ये आप लोग का प्रिंट आउट अप्लीकेशन भी आप लोग को सबमिट करना होगा एग्जामिनेशन में देने के लिए, टू डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो गाइज, यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप लोग का यहाँ पे एड्रेस रहेगा कहाँ पे एग्जामिनेशन, आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया है, देख पा रहे होंगे ये है एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये महाराष्ट्र में एग्जामिनेशन उनका, इनका मुंबई में होगा। और देखिए, यहाँ पे आप लोग का जो सिग्नेचर करना है वो आप लोग का वहाँ पे प्रेजेंस में करना होगा, जो इनविजिलेटर होगा, और आप लोग का दोनों स्टेज हो जाएगा, स्टेज 1 और 2, स्टेज 3 आप लोग का अलग से डेट अनाउंस होगा स्किल टेस्ट के लिए। और आप लोग का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और या ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ पे आप लोग का OMR पे पेपर होगा गाइस, और निगेटिव मार्किंग यहाँ आप लोग को पता है 1 मार्क निगेटिव है, सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स है। आप लोग को कौन कौन सा चीज़ लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, डल्ली फील्ड और एक आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपल आप लोग बॉल पेन लेके जाना होगा, हैंड सैनिटाइजर होगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, फेस मास्क, ग्लव्स। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बुक वगैरह नहीं लेके जाना होगा। उसके बाद SC ST वालों, जिनका TA मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा 13 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे गाइस सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये लग भर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। धन्यवाद।